Welcome students, let's begin with our sixth chapter, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and the Sharing Plow Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. ये स्टोरी रिचर्ड एब्राइट की है, जो साइंटिस्ट हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले अपने अचीवमेंट्स के लिए, अपनी डिस्कवरीज के लिए, और जो उनकी ये डिस्कवरीज हैं उसका बेस था उनके चाइल्डहुड में, जो उनकी फैसिनेशन था बटरफ्लाइज को लेके, और उसी ने इनको इस तरफ जो थी वो चीज़ें लेके गई. एट द एज ऑफ 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard Ebright school mein scout the, unko scout of the year award bhi diya gaya tha, aur jab wo 22 years ke the to unko to unhone ek theory jo thi wo discover ki thi कि सेल्स भी वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी में, और वो किस तरह वर्क करते हैं ये चीज़ की उन्होंने डिस्कवरी की थी. एंड रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. और एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो जर्नल था उसमें उनके और उनके रूममेट की थ्योरी जो थी वो इस एक आर्टिकल उसमें उनका छपा था, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि इतने छोटे एज के लड़कों की कभी ऐसे कोई आर्टिकल नहीं छपता था उसमें, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट थी. इट वॉज द फर्स्ट टाइम हिज दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इतने इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में आर्टिकल छपना एक बहुत बड़ी बात थी. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. ये सिमिलर उसी तरह था जैसे आप बेसबॉल में जब जैसे क्रिकेट में सिक्सर लगाते हैं उसमें बेसबॉल में होम रन हम बनाते हैं, ये सिमिलर उनके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना एक नए बैट्समैन के लिए फर्स्ट टाइम जब वो बैटिंग करता है तो होम रन बनाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही उस जर्नल में उनका आर्टिकल छपना था. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. लेकिन जो चीज़ें जो भी उनको अचीवमेंट्स हुई हैं बाद में मिली उनका बेस था उनकी जो फैसिनेशन था बटरफ्लाइज को लेके बचपन से, उसी के बेस पे उन्होंने अचीवमेंट्स वो करते गए. एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसवेनिया. वो पेनिसवेनिया के रीडिंग नामक शहर में बड़े हुए और वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे. देयर वाजंट much I could do there, he said. और वो कहते हैं कि वहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था. I certainly couldn't play football and or baseball with a team of one. क्योंकि वहाँ पे वो अकेले थे इसलिए वो वहाँ पे even baseball और football भी नहीं खेल सकते थे. But there was one thing I could do, collect things. वहाँ पे वो एक ही चीज़ कर सकते थे, चीज़ों को कलेक्ट कर सकते थे. सो ही डिड एंड डिड ही एवर. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. मीन्स बचपन से ही वो बहुत एक ब्राइट बच्चे थे, उनका जो माइंड था बहुत शार्प था, और उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का जो उनको एक अंदर से उनको पैशन था, मीन्स वो डिटरमाइंड थे अपने जो भी वो काम करते थे उसके लिए, तो वो बटरफ्लाइज की तरफ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते थे और डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर की बटरफ्लाइज को वो कलेक्ट करते थे. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइन्स. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. मीन्स उनकी जो हॉबीज थी वो अलग सी थी, वो रॉक्स के इकट्ठे करते थे, फॉसिल्स के इकट्ठे करते थे एंड कॉइन्स, और वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बने.
और पूरी पूरी रात वो तारों को देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग materials and other equipment and helped him in many other ways. Unko help karne ke liye, unko encourage karne ke liye sabse jo best unke companion thi unki mother thi, jo ki unhe trip pe ले जाती थी, उनको telescope खरीद के दिए, microscopes खरीद के दिए, cameras खरीद के दिए और इन सब चीज़ों को stand करने के लिए उन्होंने stand लिए, mounting material means वो उनको खरीद के दिए, जो भी उनके इक्विपमेंट की उनको ज़रूरत होती थी उनकी हेल्प करने में वो उनको खरीद के उसकी मदर ने दिए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेट। तो उनकी मदर कहती है कि जब तक वो स्कूल नहीं गया मैं ही उसकी कंपेनियन थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद में उसके फ्रेंड्स को घर लेके आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम दोनों ही साथ होते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। रिचर्ड को उनकी मदर रिची नाम से पुकार रही है कि उनके फादर की डेथ तब हो गई थी जब रिचर्ड जो थे थर्ड स्टैंडर्ड में ही पढ़ते थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it. He wanted to learn. और वो ज़्यादा time जो था वो dining room में ही dining table पे ही बैठ के बिताते थे। अगर उसके पास कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती नहीं, फिजिकल वर्क नहीं उसको मैं देती थी, लेकिन चीजें उसको सिखाने के लिए देती थी। और वो जो उसको पसंद, ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, एंड लर्न ही डिड। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वो बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट थे और हमेशा अच्छे ग्रेड्स वो लाते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स He was just like every other kid, his mother said. थोड़ा सा उनका ब्राइट माइंड था, अदरवाइज वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही थे, उनकी जो चॉइसिस थी आम बच्चों की तरह थी। By the time he was in the second grade, a bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वो सेकंड ग्रेड में थे तो एब्राइट ने सभी 25 टाइप की जो बटरफ्लाइज होती हैं उनको अपने होम टाउन से ही उसने इकट्ठा कर लिया था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। बट देन माय मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. उसने सभी टाइप की जो बटरफ्लाइज थी वो इकट्ठी कर ली थी। लेकिन उसके बाद उसकी मदर उसको एक बुक खरीद के लाई जिसका नाम था, जिसका टाइटल था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, और इसमें बताया गया था कि कैसे जो बटरफ्लाइज मोनार्क जो स्पीशीज हैं बटरफ्लाइज टाइप है एक वो माइग्रेट कर जाती है सेंट्रल अमेरिका को। और इससे जो थे रिचर्ड और ज़्यादा अपनी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उसमें वो खोते गए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, और इसके एंड बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया, उनको कहा गया कि जो इसके माइग्रेशंस पे हैं उसको सर्च करो, उन चीज़ को डिस्कवर करो। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूकहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर यूकहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट
adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Means जो butterflies को tag करने का काम जो था वो डॉक्टर फ्रेडरिक ने यूकहार्ट ने जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे वहां पे ये दिया, जिसमें क्या था, जिसमें ये चीज कहा गई थी कि बटरफ्लाइज को टैग किया जाए जिससे वो पता चल जाएगा कि वो माइग्रेट होके कहाँ जाती है और कब वापस आती है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन द लेट समर। बटरफ्लाई कलेक्ट करने का सीजन जो होता है वो लेट समर के 6 weeks में होता है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी, आप उनको बहुत ज्यादा कैच नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो ये सब जो डिस्कवरीज थी वो एब्राइट ने अपने घर के बेसमेंट में किया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फॉर सेवरल इयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा कि जो बटरफ्लाई को टैग करने का काम था ये इंटरेस्ट वो जल्दी उससे छूट गया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकाने वाली चीज़ थी और इससे ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रही थी क्योंकि जो टैग की हुई जो बटरफ्लाई थी वो ज़्यादा वापस नहीं आई थी। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, ओनली 2 butterflies आई हैड टैग वर रिकैप्चर्ड। मीन्स वो कहते हैं कि सिर्फ 2 butterflies जो मैंने टैग की थी वही वापस मैंने पकड़ी एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वही वो जहाँ वो रहते थे वहीं उसके आस पास ही वो वापिस आ गई थी। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। जब वो 7th grade में थे और वो एक फेयर कॉन्टेस्ट में गए थे वहाँ वो हार गए थे, उनको कोई प्राइज नहीं मिला था, तो वहां जाके उनको इस हिंट साइंस का मिला कि असल में साइंस है क्या। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, और ये फीलिंग जो थी उनको बहुत बैड उनकी फीलिंग थी क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ प्राइज मिला था और एब्राइट को नहीं मिला था। हिज एंट्री वॉज slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. So, उन्होंने frog tissues का जो था वो which he showed under a microscope जो दिखाया था, लेकिन means सिर्फ उन्होंने उस चीज दिखाई थी और उन्होंने वहाँ पे feel किया कि जो winners थे उन्होंने वहाँ पे कॉन्टेस्ट में जाके रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं किया था, ये चीज़ उन्होंने उनको फर्स्ट टाइम पता चली। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग, मीन्स जो उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी वो पता चल रही थी, वो सामने आने लगी थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड have to do a real experiment. और वो कहते हैं कि he said, और वो कहते हैं कि मुझे पता चल चुका था कि next year के fair के लिए जब next year fair में contest होने जाएगा तो उनको एक real experiment तैयार करना ही पड़ेगा। The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in past several years. और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ insect को पे ही मुझे कोई डिस्कवरी करनी पड़ेगी, कोई उस पे ही कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो ही रोट टू डॉक्टर यूकहार्ट
for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. और उन्होंने इस रिगार्डिंग डॉक्टर यूकहार्ट को लिखा कि वो अपना आइडियाज दें. तो जवाब में डॉक्टर यूकहार्ट ने उन्हें अपने जो उनके व्यूज थे उसके ढेर लगा दिए. मीन्स इतने उनको एक्सपेरिमेंट के आइडियाज उन्होंने उसको दिए. दोस कैप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. और जब वो 8th grade में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था और उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो एक वायरल डिजीज से क्यों मर रहे हैं. कुछ सालों से मर रहे हैं लेकिन वो क्यों मर रहे हैं. इस कॉज को उन्होंने खोजने की कोशिश की. एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. तो एब्राइट ने ये सोचा कि ये जो डिजीज है ये बीटल जो है वो फैला रहा है. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results. लेकिन जो उनका शक था वो सही नहीं था. वो कहते हैं, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. लेकिन उन्होंने इस टाइम शो कर दिया कि उन्होंने कोशिश की है एक्सपेरिमेंट करने की और इस टाइम वो जीत गए थे. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. Aur next year jo unka project tha science fair mein wo ye tha ki viceroy butterflies jo hain wo monarch butterflies ko copy karte hain. Theory was that viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. और इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं क्योंकि बर्ड्स उनको खाते हैं और मोनार्क्स को वो नहीं खाते. मोनार्क बटरफ्लाइज को वो नहीं खाते हैं. वॉइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. और जो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो खाने में टेस्टी होती हैं इसलिए बर्ड्स उनको खाते हैं. सो द मोर They look like monarchs, और वो monarch butterflies की तरह ही देखने में लगती हैं. The less likely they are to become a bird's dinner. Ebright's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. फिर उन्होंने ये चीज़ पाई कि जो ये bird है, जो starling bird है कि ऑर्डनरी बर्ड जो है वो बर्ड फूड को नहीं खाता है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शोड दैट वॉइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स. और बाद में उसको ये पता चला कि जो वॉइसरॉयज बटरफ्लाईज है ये मोनार्क को कॉपी करती है. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. और इस प्रोजेक्ट में भी उनको प्राइज मिला. इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. और जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने फिर से एक रिसर्च स्टार्ट की और ये रिसर्च थी एक इंसेक्ट के अननोन हार्मोन के बारे में. इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड द न्यू थियरी ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. और ये सेल्स के बारे में थी. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा.
और क्वेश्चन सिंपल था कि मोनार्क प्यूपा की जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, इनके होने का पर्पस क्या है, रीजन क्या है। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल अ ब्राइट सेट, बट डॉक्टर यूकहार्ट डिडंट बिलीव इट। और सभी ये जज करते थे, सभी ये अंदाजा लगाते थे कि ये ऑर्नामेंटल है, मींस ये उसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर यूकहार्ट इस पे बिलीव नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, ए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। लेकिन एब्राइट और उनके फ्रेंड ने एक डिवाइस तैयार की जिससे ये पता चलता था कि ये एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस प्रोजेक्ट ने जो है, एब्राइट के इस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्लेस जो है वो मिला, उसको फर्स्ट प्राइज मिला काउंटी फेयर में, और इससे उसकी एंट्री हो गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वन थर्ड प्लेस इन जूलॉजी, वहाँ पे उन्होंने जूलॉजी में थर्ड प्लेस एक्वायर किया। एंड ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एंड एट द एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और जब उन्होंने ये प्राइज जीता तो उसके बाद उनको अपने समर हॉलीडेज में जो एंटोमोलॉजी मींस इंसेक्ट की जो स्टडी होती है जहाँ पे, उस लैब में उनको काम करने का, उनको रिसर्च करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. और फिर से उनको वहाँ पे अपने summer vacations में काम करने का मौका मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. Means gold जो spots हैं butterfly के ऊपर, वो उससे क्या है, hormone उससे पे उससे hormone create होते हैं और जो butterfly है वो fully develop होती है। That project won first place for zoology in the at the an international fair. Or this project ne bhi first prize jeeta. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. आने वाली जो गर्मियाँ थी, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, after freshman year means Harvard University में उनको उन्होंने एडमिशन ले ली थी और उन्होंने इस गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर और ज़्यादा काम किया यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। और उस लैब में उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया और ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और इससे उन्हें हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफाई करने में वो सफल हो गए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एक साल
साल डेढ़ साल बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वो जूनियर ईयर में थे, उनको एक आइडिया आया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, कि सेल लाइफ के बारे में एक नई थ्योरी उन्होंने निकाली। इट केम व्हाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और ये तब निकली, ये थ्योरी उनके माइंड में तब आई जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन। व्हेन ही सॉ दोस फोटोज, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स। और जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर के हार्मोन को, तो उनको एक लगा कि एक मैंने बायोलॉजी की जो पजल है उसको सॉल्व कर दिया है, जो क्वेश्चन था बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हो रहा था उनके माइंड में था वो सॉल्व हो गया था। और ये जो फाइंडिंग थी ये थी इंसेक्ट के हार्मोन्स को लेके। तब उनके माइंड, तब उन्होंने यूरेका इस तरह वो नहीं चिल्लाए, ना ही इस तरह से बोला कि आई हैव गॉट इट, उन्होंने ये सब चीजें नहीं की, कोई कुछ भी शो ऑफ नहीं किया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, तो उन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए जो है वो एक सब्सटेंस है न्यूक्लियस सेल में जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, मीन्स जो हमारे पेरेंट्स के जो फीचर्स होते हैं वो हम में आते हैं, बच्चों में आते हैं, वो किससे होता है, डीएनए की वजह से। इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल, दस द डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, मीन्स डीएनए जो एक तरह से ब्लूप्रिंट है लाइफ का। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory, surprising no one who knew him. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. जब वो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे तो उनको हाईएस्ट ऑनर्स में पढ़ रहे थे तो सेकंड इन हिज क्लास, मींस वो 1510 बच्चों में सेकंड उनकी पोजीशन आई। तो जो उनको जानते थे, जाने पहचानने वाले थे, वो इससे सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि सभी जानते थे वो कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने ब्राइट माइंडेड हैं। ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। There he began doing experiments to test his theory. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead a new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. अगर ये theory correct prove हो जाती, तो इससे life की जो है बहुत सी processes को समझने का जो था वो एक स्टेप होता ये, और इससे कई टाइप के कैंसर और अदर डिजीजेस को से बचने के लिए भी नए आइडियाज आते। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। Richard Ebright has been interested in science since he began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion, debater, and public speaker, and a good canoeist, and all-around outdoor person. रिचर्ड एब्राइट को बचपन से ही बटरफ्लाई कलेक्ट करने का शौक था, लेकिन वो इसमें इस तरह से भी नहीं डूब गए थे कि उनको कोई और शौक नहीं थे, उनको और भी ज़्यादा और भी शौक थे जैसे एक नॉर्मल बच्चे को होते हैं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शौक थे। और वो
एक अच्छे फोटोग्राफर थे, कैनोइस्ट थे, सब चीज़ें थी उनमें, इंटरेस्ट उनको हर चीज़ का था। एंड इन हाई स्कूल रिचर्ड ब्राइट वॉज स्ट्रेट अ स्टूडेंट, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, लर्निंग उनके लिए बहुत ईजी था उनको। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वीदर वीडर। His social studies teacher and advisor to both clubs, Mr. Wearer, was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. और वो अपने social science के teacher, Mr. Wearer की बहुत को admire करते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत से मुझे new ideas दिए कि मैं नई research कर सकूँ, discoveries कर सकूँ. Richard would always give that extra effort, Mr. Wearer said. वो भी उनकी तारीफ करते हैं। What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Mr. Wearer कहते हैं कि इसने रिचर्ड ने अपनी मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपनी रिसर्च के लिए, अपनी कलेक्शन के लिए, मीन्स जो भी उसके इंटरेस्ट थे उसको उसने बहुत ही मन से किया है, इसलिए वो सक्सेस है, उसको सक्सेस मिली है। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वीरर कॉन्टिन्यूड। वो पहले से ही कॉम्पिटिटिव नेचर का था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, बट वो बैड सेंस में नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजन्स। मीन्स उसको एक पैशन था कि उसको कुछ करना है, वो किसी प्राइज के लिए, किसी प्रेज के लिए ये चीज़ नहीं करता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट एंड दैट इज वन ऑफ द इनग्रीडियंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट बनने की ये के लिए ये सब क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो साइंटिस्ट के इन्ग्रीडियंट्स हम कह सकते हैं। Start with a first-rate mind and curiosity and mix in the will of win for the right reasons. Ebright has these qualities. Ebright may be sari qualities thi. From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him. Jo book uski mama ne usko bachpan mein di thi, usne us book ne sare jo darwaze the uske liye khol diye the science ke liye, science ke. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और रिचर्ड एब्राइट ने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी लूज नहीं की, कभी उसको खोया नहीं। मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग थे और इसी का उनको जो था रिजल्ट उनको बाद में मिला और एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू।